नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है खबर का। आपको बता दें कि अतीक अहमद को गुजरात की साबरमती जेल से यूपी के प्रयागराज लाया जा रहा है। उसे राजूपाल अपहरण मामले में 28 मार्च को कोर्ट में पेश किया जाना है। इस केस में एमपी एमएलए कोर्ट फैसला सुनाएगा। अतीक के भाई को भी बरेली की जेल से लाकर प्रयागराज में कोर्ट में पेश किया जाना है। अतीक को व्रज वाहन से ही लाया जा रहा है। अतीक को लाने वाली टीम में 45 पुलिसकर्मी हैं। बता दें कि 28 मार्च को कोर्ट का जो फैसला आना है वह उमेश पाल की हत्या का केस नहीं है, बल्कि उस दिन फरवरी 2006 में उमेश पाल की किडनैपिंग के बाद हुई एफआईआर में फैसला आना है। अपहरण के इस मामले को लेकर 2007 में उमेश ने अतीक और उसके साथियों के खिलाफ केस दर्ज कराया था। तब राज्य में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। प्रयागराज के पुलिस आयुक्त रमित शर्मा ने बताया कि प्रयागराज की कोर्ट में मामले में 28 मार्च को फैसला आना है। सभी अभियुक्तों को फैसले की तारीख पर कोर्ट में पेश किया जाना है और फिर वापस उन्हें संबंधित जेलों में भेजा जाएगा। वहीं अतीक की बहन ने एक बार फिर एनकाउंटर होने की आशंका जताई है। तो लगातार हम आपको खबर दिखा रहे हैं जिस तरीके से अतीक अहमद को साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जा रहा है। और प्रयागराज से हमारे साथ संवाददाता पवन पटेल जुड़ेंगे। पवन, देखा जाए तो अब साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जा रहा है अतीक अहमद को, क्या कुछ अपडेट सामने आ रहा है इसको लेकर? जी बिल्कुल नंदिनी, हत्या लूट अपहरण जैसे संगीन मामलों में कई मामलों में जेल में बंद अतीक अहमद को बीते कल देर शाम से प्रयागराज लाने की कयामत वो की गई थी और कल बीते देर शाम से ही अतीक अहमद को प्रयागराज लाया जा रहा है। अगर खबरों की माने तो अभी कुछ ही घंटों में, 3-4 घंटों के बीच अतीक अहमद प्रयागराज पहुंच जाएगा, जिसको सड़क के रास्ते लाया जा रहा है। अगर बात करें उसी सड़क की तो मैं अभी उसी सड़क पर मौजूद हूँ जिस सड़क से अतीक अहमद को प्रयागराज लाया जाना है। हालांकि पुलिस की जो टीमें हैं, करीब 45 पुलिसकर्मी लगाए गए हैं और सुरक्षा के कड़े इंतजाम के बीच अतीक अहमद को गुजरात से साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जा रहा है। बता दें कि 2005 में राजूपाल हत्याकांड मामले को लेकर उमेश पाल को अतीक अहमद कंपनी ने अपहरण किया था। उसी मामले को लेकर अतीक अहमद को 28 तारीख को एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी होनी है और इस पूरे मामले में अतीक अहमद का भाई अशरफ, जो बरेली के जेल में बंद है, उसको भी 28 तारीख को एमपी एमएलए कोर्ट में पेश होना है। और तमाम और कई ऐसे अभियुक्त हैं जिनको एमपी एमएलए कोर्ट में पेश होना है। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि इसे 28 तारीख को अतीक अहमद के ऊपर सजा सुनाई जाएगी और अतीक अहमद को सजा सुनाने के बाद फिर से संबंधित जेल में भेज दिया जाएगा। अगर बात किया जाए प्रयागराज की तो प्रयागराज को आज पूरे छावनी में तब्दील कर दिया गया है, क्योंकि आगामी 28 मार्च को अतीक अहमद को एमपी एमएलए कोर्ट में पेश होना है तथा आज जब अतीक अहमद प्रयागराज लाया जाएगा तो उसको प्रयागराज के नैनी सेंट्रल जेल में रखा जाएगा, जिसको एक अस्थायी जेल के रूप में परिवर्तित किया गया है और उसमें तमाम सुरक्षा के व्यवस्था की गई है। अगर सुरक्षा की बात की जाए तो सीसीटीवी कैमरे, बॉडी वन कैमरे से अतीक अहमद के बैरक की निगरानी की जाएगी और इस पूरे सीसीटीवी को लखनऊ के मुख्यालय में मॉनिटर किया जाएगा। तो कहा जा सकता है कि पूरी सुरक्षा के बीच अतीक अहमद को गुजरात से प्रयागराज लाया जा रहा है। हालांकि अगर तस्वीरों की बात करें तो इन तस्वीरों में अतीक अहमद की कई तस्वीरें भी सामने आई है, जहां पर अतीक अहमद ने अपने इनकाउंटर का जो है जिक्र किया है। हालांकि कल बीते देर शाम को जब एक वीडियो सामने आया था जिसमें अतीक अहमद ने साफ तौर पर अपने मौत का जो खौफ उसके चेहरे पर देखने को मिला था और अतीक अहमद ने इस शब्द को कहा था कि उसकी हत्या करवाना चाहते हैं, लेकिन जिस तरीके से पुलिस की टीमें सुरक्षा के बीच अतीक अहमद को प्रयागराज ला रही है, ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि आगामी 28 मार्च को अतीक अहमद के ऊपर सजा सुनाई जाएगी और अतीक अहमद को फिर से संबंधित जेल में भेज दिया जाएगा। जी नंदिनी। जी पवन, देखा जाए तो दूसरी तरफ वही अतीक के भाई अशरफ को भी बरेली जेल से प्रयागराज लाया जा रहा है, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? पुलिस की टीमें बरेली जेल में पहुंच चुके हैं और आज देर शाम तक अशरफ को भी प्रयागराज लाया जाएगा और 28 तारीख को अतीक अशरफ सहित करीब 10 ऐसे आरोपी हैं जिनको अपहरण के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा और कहा जा रहा है कि उसी एमपी एमएलए कोर्ट में अतीक और अशरफ को सजा सुनाई जाएगी, चूंकि इस पूरे मामले को लेकर ये आखिरी सुनवाई भी कही जा रही है। हालांकि ये जो मामला है, अभी बीते दिनों पहले जब बीते 24 फरवरी को उमेश पाल को दिनदहाड़े गोली और बम मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था, इस पूरे
मामले में अतीक और अतीक का भाई अशरफ जो कि बरेली जेल में बंद है, इन दोनों के ऊपर इस हत्या का षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया गया है और पुलिस की टीमें लगातार अतीक एंड कंपनी के ऊपर कार्रवाई कर रही हैं। लेकिन जिस तरीके से बीते कल से अतीक अहमद को साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जा रहा है, ऐसे तमाम तरह की बातें जो सोशल मीडिया पर चल रही है, तमाम तरह की बातें वो भी सामने आ रही है। कहीं ये भी कहा जा रहा है कि विकास दुबे जैसा हाल अतीक अहमद का भी ना हो, चूंकि कई ऐसी बातें सामने आई है जहां पर गाड़ी पलटने का जिक्र भी किया गया है। लेकिन अगर अधिकारियों की माने तो अतीक अहमद को सुरक्षित साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जा रहा है और अतीक अहमद को आगामी 28 मार्च को एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पर अपहरण के मामले पर सुनवाई होनी है और अतीक अहमद को सजा सुनाई जाएगी। पवन, अतीक अहमद को प्रयागराज लाया जा रहा है तो कहां रखा जाएगा, क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं? अतीक अहमद अभी कुछ ही देर में तीन से चार घंटे में प्रयागराज पहुंच जाएगा, जिसको प्रयागराज के केंद्रीय कारागार नैनी में रखा जाएगा। अगर सेंट्रल जेल की बात की जाए तो सेंट्रल जेल को छावनी में तब्दील कर दिया गया है और अतीक अहमद को एक अस्थायी बैरक में रखा जाएगा। बताया यह भी गया है कि अतीक अहमद को जिस बैरक में रखा जाएगा उसमें सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए हैं, सीसीटीवी कैमरे तथा बॉडी वॉर्न कैमरे से वहां पे लैस सुरक्षा कर्मी रहेंगे और इसे सीसीटीवी कैमरा है वो लखनऊ के मुख्यालय से मॉनिटर किया जा रहा है। तो मतलब कहा जा सकता है कि अतीक अहमद को हाई सिक्योरिटी में रखा जाएगा और आगामी 28 मार्च को एमपीएमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा। जी नंदिनी जी, पवन कल कितने बजे कोर्ट में पेश किया जाएगा, कौन कौन से मुख्य आरोपी कल पेश होंगे? हालांकि कहा जा रहा है कि इसमें करीब 10 ऐसे आरोपी हैं जिनको एमपीएमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा, लेकिन इसमें जो मुख्य चेहरे सामने हैं उसमें अतीक अहमद और अतीक अहमद का भाई अशरफ जो बरेली जेल में बंद है और अशरफ को भी बरेली जेल से लाने की कयावत की जा रही है। कुछ ही घंटों बाद अशरफ को भी प्रयागराज लाया जाएगा और दोनों को कड़ी सुरक्षा के बीच और तमाम जो और आरोपी हैं उनको कड़ी सुरक्षा के बीच एमपीएमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा। जी जी पवन, किन किन धाराओं में कल अतीक अहमद की सुनवाई की जाएगी? अगर पुलिस कमिश्नर प्रयागराज की माने तो पुलिस कमिश्नर प्रयागराज का एक बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा है कि कुछ वर्ष पूर्व अपहरण के मामले में अतीक अहमद और तमाम ऐसे जो आरोपी हैं जिनको मनी न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा और उस पर फैसला सुनाया जाना है। कहा जा रहा है कि यह अपहरण का मामला था जो उमेश पाल को राजू पाल हत्याकांड के कुछ दिनों बाद उमेश पाल को अपहरण किया गया था, उसी मामले को लेकर सुनवाई है और इस पूरे मामले को लेकर एमपीएमएलए कोर्ट जो है अपना फैसला सुनाएगा। जी जी पवन, देखा जाए तो एक तरफ वहीं पर अतीक की बहन ने एनकाउंटर होने की आशंका जताई है। जी बिल्कुल, अगर पूरी खबरों की बात करें या तमाम जो बीते दिन है उनकी बात करें तो बीते 24 फरवरी को जब उमेश पाल को दिन दहाड़े गोली और बम मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था, तो इस पूरे घटना के दौरान अगर उमेश पाल के परिजनों की बात करें तो उमेश पाल की मां ने जब उमेश पाल की मां से बातचीत की तो उमेश पाल की मां ने साफ शब्दों में कहा था कि जब तक अतीक एंड कंपनी का सफाया नहीं होगा तब तक उमेश पाल के परिजनों को न्याय नहीं मिलेगा। अगर अतीक के परिजनों की बात करें तो अतीक का भाई अशरफ, उसकी पत्नी जैनब जो है कई बार मीडिया के सामने आई है और उन्होंने ये आरोप भी लगाया है कि पुलिस की टीमें लगातार अतीक एंड कंपनी पर गलत तरीके से कार्रवाई कर रही है। हालांकि अगर अतीक के जितने भी परिजन अभी तक सामने आए हैं उन्होंने साफ तौर पर यह अंदेशा जाहिर किया है कि अतीक के जितने भी करीबी हैं या अतीक का जो पूरा कुनबा है उसको एनकाउंटर में ढेर कर दिया जाएगा। लेकिन अगर अधिकारियों की माने तो अतीक अहमद को सुरक्षित गुजरात के जेल से प्रयागराज लाया जा रहा है और एमपीएमएलए कोर्ट में पेश करने के बाद उसको फिर से संबंधित जेल में भेज दिया जाएगा। लेकिन एनकाउंटर की जो खबरें हैं वो कई तरह से सोशल मीडिया पे जो है छाई हुई हैं। हालांकि ऐसी कोई अभी तक खबरें सामने नहीं आई और ऐसी भी कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है जिसमें एनकाउंटर की बातें जो है वो सार्वजनिक हो सके। जी नंदिनी जी पवन, देखा जाए तो इस मामले को लेकर कहा जा रहा है कि 364A के तहत सुनवाई की जाएगी, या तो उम्र कैद की सजा हो सकती है या फिर फांसी की सजा हो सकती है। बिल्कुल, 2005 में बसपा के विधायक रहे राजू पाल को दिन दहाड़े गोली और बम मारा गया था, उस पूरे मामले को लेकर उमेश पाल इस पूरे घटना का मुख्य गवाह था। उमेश पाल को बीते 24 फरवरी को हमलावरों ने दिन दहाड़े गोली और बम मार के मौत के घाट उतार दिया था। चूंकि ये जो मामला है ये पूरी तरीके से हाई प्रोफाइल है, चाहे वो 2005 में हुई राजू पाल की हत्या की बात की जाए या बीते 2023 में 24 फरवरी को उमेश पाल को दिन दहाड़े गोली और बम मार के मौत के घाट उतारा गया था, इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट में सुनवाई है और कहा यह भी जा रहा है कि आगामी 28 मार्च को एमपीएमएलए कोर्ट में अतीक अशरफ तथा अन्य जो आरोपी हैं उनके ऊपर कड़ी जो है सजा सुनाई जाएगी और इनको संबंधित जेल में भेजा जाएगा। हालांकि अभी किस तरह की सजा सुनाई जाएगी ये अभी तक बातें सामने नहीं आई हैं, क्योंकि कोर्ट का मामला है और जब तक कोर्ट की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती इस पे कहना थोड़ी सी जल्दबाजी होगी। जी जी पवन, पुलिस का काफिला कहां तक पहुंचा है अतीक अहमद को लेकर, एग्जैक्ट लोकेशन क्या बताई जा रही है अभी?
अभी जो बातें सामने आई है इसमें कहा जा रहा है कि अतीक का काफिला करीब झांसी के आसपास का है और जिस रास्ते पे मैं खड़ा हूँ इसी रास्ते से ये भी कहा जा रहा है किसी रास्ते से अतीक अहमद को प्रयागराज के सेंट्रल जेल में लाया जाएगा। हालांकि अगर सुरक्षा की बात की जाए तो तमाम ऐसे जो चेक पोस्ट है और तमाम जो राज्य की सीमाएं हैं उस पर पुलिसकर्मी लगाए गए, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कहा जा रहा है कि कुछ ही घंटे में अतीक अहमद प्रयागराज के केंद्रीय कारागार में ले जाया जाएगा। हालांकि अगर ये भी कहा जाए तो इसी रास्ते पे जो रीवा राष्ट्रीय राजमार्ग कहा जाता है झांसी के रास्ते चित्रकूट के रास्ते इसी रास्ते से अतीक अहमद को प्रयागराज लाया जाएगा और तमाम ऐसे जो चेक पोस्ट और तमाम जो पुलिस की टीमें हैं वो लगातार इस पर सुरक्षा को लेकर मुस्तैद नजर आ रही है। जी जी पवन, क्या कुछ प्रयागराज में रूट डाइवर्जन होगा, क्या कुछ अलर्ट किया गया है प्रयागराज में? राजमार्ग की सड़कें हैं वो पूरी तरीके से चौड़ीकरण में जो है वो बनवे हो चुकी हैं। अगर सड़कों की बात की जाए तो सड़कें पूरी तरीके से एकदम खाली हैं। अगर ये भी कहा जा रहा है कि जिन रास्तों से अतीक अहमद को लाया जाएगा उन रास्तों पर जो है गाड़ियों को डाइवर्ट किया जाएगा तथा रास्ते में जितने भी टोल प्लाजा आएंगे उन टोल प्लाजा पर जब तक अतीक का काफिला पार नहीं हो जाता है तो अन्य गाड़ियों के या भारी जो कमर्शियल वाहन है उनको रास्तों पर आवागमन नहीं करने दिया जाएगा। हालांकि अभी किस तरीके से बातें हैं वो अभी तक सामने नहीं आई है। कहा जा रहा है कि अतीक का काफिला जो है वो अभी झांसी के आसपास है। हालांकि कुछ ही घंटों में वो उत्तर प्रदेश की सीमा में उसका काफिला प्रवेश करेगा। उसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार अलग अलग जो सीमाएं हैं उसको लगातार जो है वो अपने नजरों पर रखे हुए हैं और पुलिस की जो टीम है वो लगातार मुस्तैद है और पुलिस जो है वो लगातार अतीक अहमद को सुरक्षा के बीच में लेके आ रही है। अगर बात करें तस्वीरों की तो वो तस्वीरें भी सामने आई है जब अतीक अहमद को कई जगह पर रोका गया है और तमाम ऐसी जो छोटी छोटी चीजें चाहे वो दिनचर्या की बातें हो चाहे पुलिसकर्मियों से कुछ देर रुकने की बातें वो भी वीडियो सामने आया है और अतीक अहमद के जो चेहरा है वो साफ तौर पर दिख रहा है कि उसके चेहरे पे मौत का खौफ साफ तौर पर देखा जा सकता है। जी नंदिनी जी पवन बिल्कुल आप नजर बनाए रखिएगा, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता पवन पटेल जो कि प्रयागराज से सीधा आपको बता रहे थे, हम आपको सीधा अपडेट दे रहे हैं कि साबरमती जेल से लेकर किस तरीके से प्रयागराज अतीक अहमद को लाया जा रहा है और अतीक अहमद को लेकर कमिश्नर ने क्या कुछ कहा है आइए आपको सुनाते हैं। एक पुराने अपहरण के मुकदमे में माननीय न्यायालय के द्वारा फैसले की तारीख 28 मार्च तय की गई है। कोर्ट के आदेश पर अभियुक्त गणों को विधिक प्रक्रिया के तहत जेल से लाकर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर वापस जेल भेजा जाता है। इसी प्रक्रिया के तहत इस केस से संबंधित समस्त अभियुक्त गण को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में इस केस से संबंधित अभियुक्त माफिया अतीक अहमद को संबंधित न्यायालय के समक्ष तय तारीख पर प्रस्तुत किए जाने के लिए पुलिस की एक टीम को साबरमती जेल भेजा गया है। खा रहे हैं कि साबरमती जेल से लेकर प्रयागराज अतीक अहमद को लाया जा रहा है, हमने आपको अभी सीधा तस्वीरों में दिखाया था। बता दें कि प्रयागराज में सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं। उमेश पाल हत्याकांड को लेकर, राजू पाल हत्याकांड को लेकर सीधा सीधा आरोपी अतीक अहमद को बताया जा रहा है। इसी को लेकर कल कोर्ट में पेशी होनी है। अतीक अहमद को गुजरात की साबरमती जेल से यूपी के प्रयागराज लाया जा रहा है। उसे राजू पाल अपहरण मामले में पेश किया जाना है, कल कोर्ट में पेशी होगी। अतीक अहमद को गुजरात की साबरमती जेल से यूपी के प्रयागराज लाया जा रहा है। उसे राजू पाल अपहरण मामले में 28 मार्च को यानी कि कल पेश किया जाना है। इस केस में MPMLA कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। अतीक के भाई अशरफ को भी बरेली की जेल से लाकर प्रयागराज में कल पेश किया जाएगा। कोर्ट में कल पेशी होनी है अशरफ की भी। वहीं अतीक को ब्रज वाहन से लाया जा रहा है सड़क के रास्ते। अतीक को लाने वाली टीम में 45 पुलिसकर्मी हैं। बता दें कि 28 मार्च को कोर्ट का जो फैसला आना है वो उमेश पाल की हत्या का केस नहीं बल्कि उस दिन फरवरी 2006 में उमेश पाल की किडनैपिंग के बाद हुई FIR में फैसला आना है।
रुक करते हैं अगली खबर की ओर। यूपी में निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। दरअसल इससे पहले 24 मार्च को सुनवाई होनी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे टाल दिया था और 27 मार्च को सुनवाई के लिए नई तारीख तय कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद ही प्रदेश में चुनाव को लेकर स्थिति साफ हो पाएगी। उधर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से पक्ष रखने के लिए प्रमुख सचिव नगर विकास समेत कानून विभाग के कई अधिकारियों की टीम रविवार को ही दिल्ली पहुंच गई है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राज्य सरकार ने निकाय चुनाव में पिछड़ों का आरक्षण तय करने के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया था। आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को कई दिन पहले ही सौंप दिया था, जिसे सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दिया था। अब ऐसी रिपोर्ट के आधार पर सुनवाई होनी है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता विवेक जुड़ेंगे। विवेक, देखा जाए तो निकाय चुनाव को लेकर फिर आज सुनवाई होनी है। देखिए नंदन, जिस प्रकार से निकाय चुनाव को 24 मार्च की सुनवाई को टालने के बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने 27 मार्च को जो है तारीख मुकर्र की थी कि आज जो सुनवाई जो है निकाय चुनाव को लेगी, और आज जो है सुनवाई के बाद ये स्थिति साफ हो जाएगी कि निकाय चुनाव की अधिसूचना कब तक जारी होगी। मैं आपको बता दूं कि निकाय चुनाव की सुनवाई के लिए पहले से ही जो नगर विकास के प्रमुख सचिव हैं, जो उनके वकील हैं, वो पहले से ही दिल्ली में मौजूद हैं और अपनी पुख्ता तैयारी करके जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखेंगे। इसके पहले बकायदा जब निकाय चुनाव को स्थगित किया गया था, टाला गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो इसके बाद ओबीसी का एक आयोग गठित किया गया था। तकरीबन 6 महीने के अंदर जो ओबीसी आयोग के अध्यक्ष रामातार सिंह, तो उन्होंने कहा था कि 6 महीने के अंदर वो अपनी सर्वे रिपोर्ट जो है वो सरकार को सौंपेंगे, सुप्रीम कोर्ट को सौंपेंगे, और 3 महीने के अपने सर्वे के बाद जो उन्होंने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, सुप्रीम कोर्ट को भी अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। अब सुप्रीम कोर्ट में यह सुनवाई होगी ताकि स्थिति साफ हो पाए कि कब से जो है निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होगी, और जो आरक्षण का पेज था उस पर एक बड़ा उलटफेर भी देखने को मिल सकता है। जी विवेक, अगर आज कोर्ट से फैसला आ जाता है तो क्या लगता है सुनवाई के बाद कब तक निकाय चुनाव की डेट आ जाएगी? देखिए, अगर आज स्थिति साफ होनी है कि अधिसूचना कब तक जारी होगी, डेट कब तक आएगी, संभवतः ये संभावना जताई जा रही है कि मई माह तक जो है वो निकाय चुनाव हो सकता है और अप्रैल के पहले हफ्ते तक वो अधिसूचना जारी हो सकती है। इसके पहले मैं बता दूं कि जो ओबीसी आयोग है उसने जब अपने सर्वे किया, अपने सर्वे को सरकार और सुप्रीम कोर्ट के पास रखा, तो कई प्रकार की चीज़ों को बदलने की बात कही, कुछ पुराने कानूनों को बदलने की बात कही, जो आरक्षण पर जो पेश बदला था उन नियमों को बदलने की बात कही, और अपने अपने रिपोर्ट में ये बताया कि किस प्रकार से कई सीटों पर लगातार एक ही वर्ग एक ही जाति का विशेषाधिकार रहा है, और उन सीटों को कई वर्ग कई जात के लोग वहां से लगातार कई सालों से चुनते रहे हैं और इस सीट पर उनका विशेषाधिकार हो चुका है। इस प्रकार से ऐसे कई सीटें होंगी जहां पे आरक्षण की प्रक्रिया बदली जाएगी, वो मेयर का चुनाव हो और जहां पे आरक्षण की प्रक्रिया को बदला जाएगा। कई सामान्य सीट ऐसी हैं जहाँ वो ओबीसी हो सकती हैं, ऐसे में सामान्य जो प्रत्याशी होंगे जो तैयारी कर रहे हैं उनको निराशा हाथ लग सकती है, कई ओबीसी सीटों पर भी फिर बदल देखा जा सकता है, और जहां पे कई सालों से एक ही वर्ग एक ही जात के लोग लगातार चुनाव लड़ रहे हैं, उससे स्थिति साफ होती है किस प्रकार से उस जात विशेष के लोग उस सीट से लगातार लड़ते रहे हैं और उस सीट से उनका एक विशेष अधिकार है, तो ये प्रक्रिया भी बदलने की तैयारी में है, तो एक बड़ा उलटफेर भी देखने को मिल सकता है। फिलहाल ये तय होगा कि सुप्रीम कोर्ट जो है आज क्या स्थिति अपडेट करता है, आज क्या फैसला सुप्रीम कोर्ट सुनाता है, इसके बाद से उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की स्थिति स्पष्ट हो पाएगी, उसके बाद अधिसूचना जारी होगी, उसके बाद आरक्षण की प्रक्रिया होगी, उसके बाद जो कहीं निकाय चुनाव की डेट जो तारीख है चुनाव की वो घोषित होगी। जी, इसके बाद क्या लगता है, क्या कुछ और उलट फेर हो सकता है, क्या कुछ और बदलाव हो सकता है? देखिए, सबसे बड़ा बदलाव ये है तो जो आरक्षण की प्रक्रिया है उसमें कुछ फेरबदल देखने को मिल सकती है, और तमाम ऐसी जगहों में मैंने आपको पहले ही बताया कि तमाम ऐसी जगह हैं जहाँ पे सामान्य प्रत्याशी हैं वो काफी लंबे समय से तैयारी करते थे, उन सीटों को ओबीसी किया जा सकता है, या फिर जो सीटें ऐसी हैं जहाँ पे कई सालों से आरक्षण बदला ही नहीं है, 20-25 सालों से एक ही वर्ग एक ही जात का आरक्षण है, उनको बदला जा सकता है। इस प्रकार के कई उलटफेर जो है निकाय चुनाव में देखने को मिल सकते हैं। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विवेक।
इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।